फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा की आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द या फिर हड्डियों के जोड़ों में कहीं भी दर्द हो रहा है उसको दूर करने का बहुत ही कमाल का नुस्खा। इसके क्या क्या फायदे हैं इस चीज के और भी वो भी बताऊंगी, लेकिन स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके जोड़ों में और घुटनों में बहुत दर्द होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि अगर सर्दियां शुरू हो जाए और आपके जोड़ों का दर्द बढ़ जाए तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है सिकाई करना और गर्म तेल की मालिश करना, क्योंकि ये आपकी मसल्स को और हड्डियों को रिलैक्स करती है। अब मैं आपको बताने जा रही थी ऐसा ट्रीटमेंट जिनके द्वारा आप अपने घुटनों और जोड़ों के दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर आपको भी गठिया की शिकायत है, जोड़ों में दर्द रहता है या सर्दियों के दिनों में ये समस्या ज्यादा हो जाती है, तो ऐसा ट्रीटमेंट आपको बताने जा रही हूँ, ऐसा ऑयल बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। आपने लहसुन का तेल, अदरक का तेल बनाया होगा, इसको इस्तेमाल किया होगा। दोस्तों, एक चीज बताती हूँ, जिनको जॉइंट पेन नहीं है ना, वो इस तेल के द्वारा अपने मसल पेन को और कहीं भी हड्डी में या फिर घुटने में दर्द हो रहा है उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को जोड़ों में दर्द काफी लंबे टाइम से है, घुटनों में दर्द काफी लंबे टाइम से है, तो उनके लिए ये स्पेशली तेल है। दोस्तों, इसको आपको घर पर बनाना होगा, सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता होगी, एक चीज तो पैसे की मिलती है और दूसरी फ्री में मिलती है अगर आपके घर के पास है तो। दोस्तों, सबसे पहली चीज हमने यहाँ लेनी है सरसों का तेल। नॉर्मली सबके घर पर होता है, बहुत आराम से मार्केट में मिल जाता है। दूसरी चीज है दोस्तों धतूरा। धतूरा भगवान शिव को चढ़ाया जाता है ना, वही धतूरा हमने लेना है। यहां मैं आपको धतूरा दिखा रही हूं तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, वही धतूरा है जो भगवान शिव को हम चढ़ाते हैं। दोस्तों, इस धतूरे के द्वारा कैसे हम अपना इलाज कर सकते हैं, ये सुनी सुनाई बात नहीं है। एक चीज आपको क्लियर बता रही हूँ कि जैसा तेल बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आपने ऐसा बनाकर रख लिया और दिन में एक बार आपने इस तेल से मालिश करनी है। कब करनी है? धूप हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो धूप नहीं भी होती सर्दियों के दिनों में, तो जब भी मालिश करें उसके बाद आपने कंबल लेकर आधे घंटे के लिए लेटना जरूर है ताकि आपकी बॉडी गर्म हो सके, या फिर आप गर्म पट्टी भी लपेट सकते हैं। दोस्तों, ये धतूरा है, ये सूखा हुआ धतूरा नहीं लेना। दोस्तों, ये धतूरा हमारे घर के पास बहुत आराम से मिल गया मुझे, और ये धतूरे की मैंने इसको सर्च किया तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा है कि ये जॉइंट पेन और घुटनों के दर्द के लिए जो तेल बनाया जाता है ना, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब तेल कैसे बनाना है तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, आपने आधा कप तेल ले लीजिए। यहां मैंने 5 धतूरे लिए, तो आप 2 या 3 भी ले सकते हैं, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ये तेल आप बनाकर रख लीजिए घर पे। दोस्तों, इसको आपने तेल के अंदर डालना है और आपने सिम फ्लेम पर इस तेल को गर्म करने के लिए रख देना है। धीरे धीरे जो ये तेल है इसके अंदर वो धतूरे की सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी आ जाएगी। उसके बाद इसको ठंडा होने दे और एज इट इज ही कढ़ाई में पड़ा रहने दे। दोस्तों, ये वो तेल तैयार हो गया, जहां भी आपके दर्द हो रहा है वहां लगाना है। आपको मार्केट से किसी भी तरह का जॉइंट ऑयल लेके आने की जरूरत नहीं है। आपके जब दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा तब भी आपने रोजाना इस तेल से मालिश जरूर करनी है अगर आपको गठिया, अर्थराइटिस या घुटनों में दर्द रहता है ना, बहुत ही आसान। दोस्तों, इसका बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल है। ये मैं मान सकती हूँ कि इस पर 20 से 30 रुपए खर्च हो रहे हैं। धतूरा है जो वो बहुत आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, धन्यवाद।